हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है हैप्पी अष्टमी, तो हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू ऑल। और माता रानी हमें सभी पर बहुत अच्छी कृपा बनाए रखे और हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो गाइस, आज मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:30 और मुस्कान काम करके जा चुकी है और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। रात जैसे हम लोग आए वहाँ से तो मुझे ना वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और रात में तो ऐसे कांपने लग गई बहुत ज़्यादा, तो अब थोड़ा सा सही है। तो गाइस, वेदर हो गया बहुत अच्छा, खिली खिली सी धूप निकल रही है। अक्टूबर कम का महीना है तो ऑब्वियसली वेदर बहुत अच्छा रहता है इस महीने में, और ये वेदर बहुत अच्छा लगता है ना। इसमें गर्मी होती है ना, इसमें सर्दी होती है, बहुत ही मस्त होता है। तो गाइस, मैं करने जा रही हूँ अभी पूजा, आज करूंगी पूजा। कंचक तो पता नहीं घर पे बुला पाऊँ कि नहीं बुला पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया। कल हम लोग थे नहीं यहाँ पे और मैं कुछ उनके लिए सामान भी नहीं लाई। अब क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा मतलब हलवे वगैरह का भोग लगा के माता रानी को, कुछ जो लोई बना के गाय की वो मैं दूंगी गाय को, और जो भोग होगा वो मैं कंचक को घर घर में मतलब जितनी भी यहाँ पर कंचक होगी उसकी जाके दे दूंगी, और उनके पैसे वगैरह जो भी गिफ्ट की है वो मैं उनको दे दूंगी। तो मुझे इस तरह से करना होगा क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम रहा गाँव का, और उसी दिन पहले और रात में आए हम 11 बजे, तो मैं ये कर ही नहीं पाई। और कंचक अचानक से आती नहीं, इधर उधर रहती है, पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं भोग लगा के जस्ट मेरे आसपास कंचक है उनके घर पे मैं पहुंचा दूंगी। गाइस, कोको भी आ गया है पूजा में बैठने के लिए, और ये एज इट इज ऐसे ही बैठे हैं यहीं पे, और जब तक पूजा फिनिश होगी यहीं बैठा रहेगा। गाइस, तू है जगदम्बा, मैंने कर दिया है सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट माता रानी के भोग के लिए। एंड सूजी, ये रही मेरी, और ये है मेरा घर का देसी घी। और गाइस, इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और हलवा बहुत ही प्यारा माता रानी का भोग होगा तैयार आज बनके। तो गाइस, माता रानी का भोग हो गया है तैयार। गाइस, को हलवा तो हो गया था बनके बिल्कुल रेडी, और माता रानी का भोग भी लग चुका है। इधर बन रही है चाय, और अभी बनाती हूँ मैं गाय के लिए जो डो होते हैं वो मैं बना देती हूँ लोई, क्योंकि ये जाते हुए गाय को लोई खिलाएंगे और थोड़ा सा हलवा लेके जाएंगे वो, और वहीं भोग के रूप में उन्हीं को खिला देंगे। और कुछ दो चार कन्या जो मेरे आसपास है मैं यहीं पे इनको सर्व कर दूंगी कुछ पैसे। गाइस, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और ऑफिस के लिए जो गाय की लोई वगैरह थी वो ले गए हैं, और थोड़ा जो प्रसाद था मैंने कंचकों को दे दिया है। 3-4-5 कंचक जितनी भी मिली मैंने करा दिया, माता रानी का भोग वगैरह लगा दिया। और अब ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है, हलवा ही खाया है, जस्ट इतनी मन था नहीं कुछ भी खाने का क्योंकि रात थोड़ी सी तबियत ढीली थी मेरी। और अभी गाइस मैं सो रही हूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, दिन में टाइम मिलेगा नहीं, और रात भी थोड़ा लेट ही हो गया था तो थकान बहुत ज्यादा हो रही है, तो जस्ट मैं 1 घंटे के लिए सोने जा रही हूँ। गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 1:30, इनका ब्रेकफास्ट कैंसिल हो गया, ये खा रहे हैं अभी खाना, और खाना क्या है वो देख लो। और ये संस्कृत, ये क्या है संसु, आंखें खोल, और कोको को भूख लग रही है आई थिंक। ओ मेरे बच्चा बैठ, ये क्या मुझे जो थिंक कर दिया शेर है? अरे दिया मुझे जो पैसे, हाँ दिया तो है, नहीं अभी दूंगी। हाँ हाँ दे दी दे दी, पूरी नहीं खा रहा है शौक से। तो गाइज, इवनिंग के बज चुके हैं 5:30, और संस्कृति ट्यूशन अधूरा ही छोड़ के आ गई है बीच में, और मैम को बोला मैंने, तो ये कह रही थी कि मैम बोली कि मैंने तो उसको बोला था पढ़ने के लिए लेकिन वो चली आई ट्यूशन को छोड़ के, क्योंकि तो उसको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। तो गाइज घर में आ गई है अभी, मैंने मैम को कॉल करा तो डांट लगेगी अब कल इसको। तो गाइज अभी बज रहे हैं 5:30, मैं बना रही हूँ 1 कप चाय, और हल्का सा मुझे पेन हो रहा है सीने में, पता नहीं क्यों, गैस वैस की वजह से या जो भी प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, काफी दिन बाद व्रत खोला है तो हो सकता है इस चक्कर में हो रहा हो। उनको अभी क्या है, मुंह में छाला आ गया है, वो बार बार आ रहा है, पर इसको मैं बोल रही हूँ थोड़ा खाने पीने पर ध्यान रख, पेट की वजह से हो रहा है। इसको बाबू को दिए मैंने टेबल याद करने के लिए, तो बच्चा वो है गुड बॉय है मेरा प्यारा सा बच्चा। और तो गाइस मैं बना रही हूँ इसके लिए एक प्यारी सी वेजिटेबल वाली मैगी। तो गाइस बच्चों की बन रही है मैगी, और पता नहीं क्या खाते है इसमें, क्या टेस्ट आता है। गाइस गाइस, आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।